नमस्कार दोस्तों, पूंजी निवेश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्वेस्टमेंट की जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक शानदार स्कीम टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, अगर हम स्कीम की रिटर्न की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुई यानी अगस्त 2018 से लेकर अब तक स्कीम ने जबरदस्त 15.71% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो चलिए सबसे पहले इस स्कीम टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप मात्र 2000 रुपया महीना बचाकर 1,40,00,000 तक का एक बड़ा फंड आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पूंजी निवेश पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, स्कीम का नाम है टाटा फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक मल्टी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड का अधिकांश पैसा फाइनेंशियल, मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज सेक्टर में निवेश किया गया है। दोस्तों, इसके टॉप 5 होल्डिंग्स है ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ITC लिमिटेड, टाटा कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। फ्लेक्सी कैप फंड शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में रिस्क को कम कर अच्छा रिटर्न्स देता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की VRO यानी वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन फंड की रेटिंग 5 में से 5 है। दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हो तो आपके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके किसी भी FD और RDMIS से 4 गुना ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं, इसलिए इस स्कीम में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को देख कर ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें स्कीम की रिटर्न की तो ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 15.71% है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस स्कीम ने 19.43% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल का रिटर्न 4.97% है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। दोस्तों, इस स्कीम में आप SIP के जरिए मिनिमम 150 रुपया और लमसम के जरिए मिनिमम 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें स्कीम के फंड साइज की तो स्कीम का फंड साइज है 2,260 करोड़, यानी कि दोस्तों लोगों ने इस स्कीम में इतना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके NAV की तो अभी 17.52 रुपया चल रहा है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो का तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। दोस्तों, ये तो बात हुई स्कीम के डिटेल्स की। दोस्तों, आज हम इस स्कीम में SIP के जरिए कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम में 2000 रुपया महीना बचाकर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने लगे तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपका इन्वेस्टेड किया गया पैसा यहाँ पर एक बड़ा फंड बन सकता है। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 15% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम एनुअल रिटर्न है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ हम 15% को मानकर चल रहे हैं, आने वाले समय में यह ज्यादा या कम हो सकता है। अगर इस पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 5 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 59,363 रुपए। 1,20,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 1,79,363 रुपए। अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 10 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 3,17,315 रुपए। 2,40,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 5,57,315 रुपए। अगर आप इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 15 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 9,93,726 रुपए। 3,60,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 13,53,726 रुपए। अगर आप इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 20 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 25,51,910 रुपए। 4,80,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 30,31,910 रुपए।
दोस्तों अगर आप इसको 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 25 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 59,68,147 रुपए। 6 लाख जो आपने इन्वेस्ट किए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 65,68,147 रुपए। अगर आप इसको 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न आपको मिल जाता है 15% का, तो 30 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,32,99,641 रुपए। 7,20,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 1,40,19,641 रुपए। तो देखा दोस्तों, अगर आप 2,000 रुपया महीना SIP स्टार्ट करके 30 साल में सिर्फ 7,20,000 रुपया जमा करके 30 साल में 1,40,19,641 रुपए का एक बड़ा फंड आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।